तो हमें प्रशांत के लिए यही डर लग रहा था कि दो लोग सादे कपड़ों में आए और वो लेके चले गए, अब कुछ भी हो सकता था। बट हमने फिर आधे घंटे बाद कॉल किया तो वो बोले कि लखनऊ लेके जा रहे हैं, तो उनको ये भी नहीं बताने दिया जा रहा था प्रशांत को कि कहाँ लेके जा रहे हैं। प्रशांत की गिरफ्तारी बिल्कुल ही गैर कानूनी है और एक तानाशाही राज की ओर इशारा करती है। इस वीडियो में जो पीट रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस के कर्मचारी, और जिसे पीट रहे हैं वो है न्यूज 24 का एक पत्रकार, जो कि कल रात रेल पटरी से उतरे ट्रेन के डब्बों के बारे में रिपोर्टिंग करने गया था। जब मैं कैमरा उठा करके लाया तो वहाँ पर जो भी जीआरपी एसओ थे और उनके साथ जो पुलिस कर्मी थे सबने मेरे साथ मारपीट की, मेरे कपड़े निकलवा रखे थे सारे, मुझे नंगा किया, उसके बाद मेरे मुँह में टॉयलेट किया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोकतंत्र के चौथा थंब कहे जाने वाले मीडिया के बारे में। आपको ये तो पता ही होगा कि प्रेस की यानी कि मीडिया की स्वतंत्रता में भारत का 140वां नंबर है 180 देशों में से। यूएई, अफगानिस्तान और पैलेस्टाइन जैसे देशों की पत्रकारिता भी हमारे देश से ज्यादा स्वतंत्र है। अब आप खुद ही इस सब से हिसाब लगा सकते हैं कि हमारे देश की मीडिया का क्या हाल होगा। अगर आपको लगता है कि ये डाटा गलत है तो हम आपको अपना ध्यान योगी के राज्य वाले उत्तर प्रदेश की ओर डालने को कहेंगे। उत्तर प्रदेश में एक हफ्ते के अंदर अंदर पत्रकारों के खिलाफ दो ऐसे मामले सामने आए हैं जिससे ये साफ हो जाता है कि हमारे देश में सरकारों के द्वारा कैसा गुंडा तंत्र चलाया जा रहा है। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि हमारे देश में बोलने की आजादी है, क्योंकि अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो आपको बिना किसी उचित कार्रवाई के जेल में डाल दिया जाएगा। पहला उदाहरण है प्रशांत कनौजिया का। दिल्ली के ये पत्रकार चार दिन से यूपी जेल में बंद है। क्यों? कि इन्होंने ट्विटर पर योगी आदित्यनाथ के बारे में बोल रही एक महिला की वीडियो शेयर की थी, साथ में अपनी एक टिप्पणी भी इन्होंने दी थी। यहाँ ये साफ कर दें कि हम कनौजिया के द्वारा की गई टिप्पणी को बिल्कुल भी सही नहीं कह रहे, लेकिन सिर्फ इतना करने के लिए इन्हें दिल्ली से इनके घर से गिरफ्तार करके यूपी के जेल में फेंक देना बिल्कुल भी सही नहीं है। पहले आप सुनिए इनकी घरवाली का क्या कहना है। परसों बारह बजे प्रशांत को मतलब नीचे गए थे कुछ सामान लेने के लिए 12:15 के बीच में, तो जैसे ही वो ऊपर आए तो उनके साथ में दो लोग थे, मतलब बाहर हमारे दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे, तो उन्होंने बस हमको अंदर आके अंदर वाले रूम में हमारे यही बोला कि मतलब मेरे को दो पुलिस मतलब पुलिस लेके जा रही है मुझे, और जितने भी हमारे करीबी दोस्त हैं मतलब उनको बता देना। और वो हमने पूछा किस लेके जा रही, तो उन्होंने बोला कि योगी आदित्यनाथ का जो एक हमने ट्वीट किया था कि वो जो एक महिला थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उसने बोला था कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, हमारे पास लेटर है जैसे आप सबने देखा होगा, तो उसी पे प्रशांत ने एक ह्यूमर तरीके से किया था और उस ट्वीट को बहुत लोगों ने रीट्वीट किया था, सबको कमेंट्स किए थे। तो अगर यूपी पुलिस किसी एक को निशाना क्यों बना रही, किसी एक व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों कर रही है, उसको इतना हैरेस कर रही है, उसको ऐसे ले गई इलीगल तरीके से, एक तरीके से डिटेंशन, इलीगल डिटेंशन है एक पत्रकार। और जितने भी सालों में हम देख रहे हैं, इन 5 सालों में कितने पत्रकारों के साथ ये सब हुआ है, मतलब प्रताड़ित किया गया, उनको गोली मारी गई, सब किया गया है। तो हमें प्रशांत के लिए यही डर लग रहा था कि दो लोग सादे कपड़ों में आए और वो लेके चले गए, अब कुछ भी हो सकता था। बट हमने फिर आधे घंटे बाद कॉल किया तो वो बोले कि लखनऊ लेके जा रहे हैं, तो उनको ये भी नहीं बताने दिया जा रहा था प्रशांत को कि कहाँ लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पे कनौजिया के खिलाफ साफ साफ कानून का गलत इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि कनौजिया को सबसे पहले सेक्शन 500 डेफामेशन के तहत गिरफ्तार किया गया है। डेफामेशन यानी कि मानहानि की केस में साफ साफ लिखा है कि इस धारा के अंतर्गत केस तभी फाइल हो सकता है जब वो आदमी जो डिफेम हुआ है वो खुद आकर केस फाइल करे। मानहानि का केस ना तो किसी और व्यक्ति के द्वारा दर्ज किया जा सकता है, ना ही पुलिस खुद कर सकती है, लेकिन इस कानून की पुलिस ने धज्जियां उड़ाते हुए खुद ही केस फाइल कर इस पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया। प्रशांत की गिरफ्तारी बिल्कुल ही गैर कानूनी है और एक तानाशाही राज की ओर इशारा करती है। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा, स्वतंत्रता के अधिकार एक मौलिक अधिकार है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, ये कोई हत्या का मामला नहीं है, इसलिए तुरंत ही कनौजिया को छोड़ा जाए। अब इस सारे मुद्दे ने देश भर में अभिव्यक्ति की आजादी के मुद्दे पर बहस छेड़ दी है, लेकिन ये ऐसा पहला मामला नहीं है। पिछले महीने बंगाल में बीजेपी की कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को ममता बनर्जी पर मीम बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया था, तब भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ही जमानत दी थी। तब भी ममता बनर्जी की
तानाशाही के खिलाफ पूरे देश में विरोध हुआ था। मेनस्ट्रीम मीडिया ने भी तब प्रियंका का पूरा साथ दिया था, जो कि बिल्कुल सही भी था। लेकिन इस बार कनौजिया के मामले में मेनस्ट्रीम मीडिया का रुख काफी बदला बदला दिख रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी पर जिन्होंने घंटा घंटा लेक्चर दिए थे, अब वही या तो चुप बैठे हैं या फिर खुद ही आजादी पर कुछ अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, उन्हीं न्यूज चैनलों की बात हो रही है जिन्होंने भारतीय विमान गायब होने की वजह एलियंस को बताया था। इन चैनलों के बदले रुख का कारण कहीं ये तो नहीं कि इस बार सामने भाजपा की सरकार है जिसके खिलाफ वो बोल नहीं सकते? छोड़िए, मीडिया की असलियत भी सबको पता ही है। हमने आपको शुरू में ही कहा था कि दो वाक्यों के बारे में बात करेंगे। यूपी में पत्रकारिता के खिलाफ हुए दूसरे वाक्य की बात करते हैं। कल अभी कनौजिया वाला मामला ठंडा पड़ ही रहा था कि योगी के राज्य वाली पुलिस ने एक और कारनामा कर दिया। पहले आप ये वीडियो देखिए। यार मार क्यों रहा है? एक बात तो बता, सुन हो भाई। इस वीडियो में जो पीट रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस के कर्मचारी, और जिसे पीट रहे हैं वो है न्यूज 24 का एक पत्रकार, जो कि कल रात रेल पटरी से उतरे ट्रेन के डब्बों के बारे में रिपोर्टिंग करने गया था। पुलिस वालों ने इस पत्रकार को बुरी तरह से पीटा और कथित तौर पर इस पत्रकार पर पेशाब भी किया। अमित जी, क्या हुआ आपके साथ? सर, दिल्ली से सहारनपुर जाने वाली जो मालगाड़ी है, आज वो शामली रेलवे स्टेशन पर बेपटरी हो गई, जिसके पीछे के तीन डब्बे जो है वो पटरी से उतर गई थी। जैसे ही हम लोगों की इसको सूचना मिली तो हम लोग मौके पर पहुंचे। कुछ टाइम हम लोग कवरेज कर रहे थे, वहां पर जीआरपी एसओ भी थे, आरपीएफ एसओ भी थे और भी पुलिस कर्मचारी थे, और रेलवे के जो अन्य अधिकारी है वो भी वहां मौजूद थे। कवरेज करने के दौरान जब नीचे जो पटरी फटी हुई है उसकी मैं कवरेज कर रहा था, उस टाइम जीआरपी एसओ ने मुझसे बोला कि आपको अपना आई कार्ड लेकर के गले में घूमना चाहिए। मैं कवरेज कर रहा था उस टाइम, मैंने अपना कैमरा जो है जीआरपी एसओ की साइड में किया, तो उन्होंने सीधा मेरे कैमरे पे हाथ मारा, जो मेरा कैमरा दूर जा करके गिरा। उसके बाद जब मैं कैमरा उठा करके लाया तो वहाँ पर जो भी जीआरपी एसओ थे और उनके साथ जो पुलिसकर्मी थे, सब ने मेरे साथ मारपीट की। हाँ, मारपीट किया। मेरे पास तीन मोबाइल थे, उसी मोबाइल के अंदर जिसपे हाथ मारा था उसी में सारी कवरेज है रेलवे की जो मैं कर रहा था, ठीक है, उसी मोबाइल को इन लोगों ने गुम कर दिया है। कवरेज करते हुए तो आपकी पिटाई हुई है? कवरेज करते हुए कौन कौन से पिटाई करने वाले? बहुत सारे पुलिसकर्मी थे, एक दो लड़के सिविल ड्रेस के थे जो विदाउट ड्रेस थे, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की है। और पीटते पीटते यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर घटना हुई है, वहाँ से लेकर के माँ बहन की गाली देते हुए यहाँ मुझे अंदर कस्टडी में बंद किया है। अब तो मुझे बाहर बैठा दिया गया, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ जेल के अंदर बंद रखा गया। बैठे तो थाने में ही हो? थाने में हूँ, इस टाइम भी जीआरपी थाने में हूँ। कस्टडी में होने की बात आई थी सामने, उन्होंने मेरे मुंह में टॉयलेट किया है, जीआरपी एसओ ने मेरे कपड़े निकलवा रखे थे सारे, मुझे नंगा किया, उसके बाद मेरे मुंह में टॉयलेट किया। अब जब हमारे देश में पत्रकारों के खिलाफ पुलिस ही ऐसा बर्ताव करेगी तो भारत का 140वां नंबर पे होना तो स्वाभाविक सी ही बात है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हो और उस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का ऐसा हाल हो, आप ही सोचिए कि ये देश किस ओर जा रहा है। यहाँ योगी सरकार को भी इस तानाशाही राज के बारे में जवाब तो देना होगा, लेकिन मुश्किल यहाँ पे ये है कि इनसे सवाल पूछेगा कौन, क्योंकि मेनस्ट्रीम मीडिया तो पहले से ही बिक चुका है और अगर कोई सवाल करने की हिम्मत करता है उसे दबा लिया जाता है। खैर, हम तो बस अब यही उम्मीद कर सकते हैं कि भारत में पत्रकारों की स्थिति सुधरेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।